राजधानी रायपुर में भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता ने भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि 24 अगस्त को रोजगारी के मुद्दे को लेकर हम सीएम हाउस का घेराव करेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने कहा था कि हम बेरोजगारी भत्ता और छत्तीसगढ़ के युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन सरकार ने अपना वादा पूरा नहीं किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अभी हम एक विषय को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर हम जिस दिन पूरे को लेकर एक एक करके गिनेंगे तो यह सरकार सो भी नहीं सकेगी। वहीं बीजेपी सीएम हाउस घेराव को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय ठाकुर ने पलटवार किया है। आइए सुनते हैं उन्होंने बीजेपी पर पलटवार करते हुए क्या कुछ कहा है। हम तो आज एक विषय में शुरू कर रहे हैं, जिस दिन पूरे विषय में हम एक एक करके देंगे तो यह सरकार सो भी नहीं सकेगी, चल भी नहीं सकेगी, देख भी नहीं सकेगी। युवाओं के मामले भर में अभी आपने बात की, मोहन जी ने बात की, अमित जी ने बात की। देखिए, भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी सरकार के रोजगार देने में असफलताओं को ढकने के लिए झूठे और मनगढ़ंत राजनीति कर रही है। 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने का वादा कर सत्ता पाने वाले भाजपा 8 साल में 16 करोड़ युवाओं को रोजगार देना था जो नहीं दे पाई है, उल्टा 23 करोड़ हाथों से रोजगार छीना गया है।